कपूर टीवी। मैं ऐसी काली भैंस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा पिताजी। मुक्ता के काले रंग को मत देखो, उसके गुणों को देखो। इसके जैसी गुणवती लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो पिताजी, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आखिरी बार बोल दिया। काली और गोरी बहू में भेदभाव। अरे ममता बेटी, तुम यहाँ शहर में कैसे? रघुनाथ भी आया है तेरे साथ? नहीं बाबूजी, पिताजी को गुजरे हुए तो कई महीने हो गए हैं। क्या, मेरा बचपन का यार चल बसा, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तू खुद को अनाथ मत समझना बेटी, तेरा ये बाप अभी जिंदा है। रामेश्वर ममता को अपने साथ घर ले आता है और फिर अपनी पत्नी शारदा से कहता है, मेरा दोस्त रघु के गुजर जाने के बाद बेचारी ममता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है शारदा, अब तो मुझे ही इसके बाप का फर्ज निभाना पड़ेगा। सुनो जी, तुम इसके बाप होने का या दादा होने का फर्ज निभाओ, पर ये सोचो कि किसी की जवान लड़की को अपने घर में रखोगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं लोगों को कुछ कहने का मौका दूंगा तभी तो कहेंगे ना। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिनेश के साथ ममता की शादी कर दूंगा। ये सुनकर शारदा और दिनेश दोनों इस शादी से मना करते हुए कहते हैं, ऐसी काली कलूटी लड़की के लायक ही रह गया है क्या मेरा बेटा? मैं ऐसी काली भैंस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा पिताजी। ममता के काले रंग को मत देखो, उसके गुणों को देखो। इसके जैसी गुणवती लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो पिताजी, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आखिरी बार बोल दिया। दिनेश की बात सुनकर रामेश्वर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तू भी कान खोल कर सुन ले बेटा, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुझे बेदखल कर दूंगा, समझा? ये सुनकर शारदा और दिनेश दोनों दुखी हो जाते हैं। अरे बेटा, अब क्या होगा, अगर बुढ़ाऊ ने तुझे सचमुच बेदखल कर दिया तो तू तो खकपति होकर रह जाएगा। तभी अंजलि दिनेश के पास आकर कहती है, इस काली कलूटी से शादी कर ही लो देवर जी, गन्ना चूस के, क्योंकि इसी में भला है तुम्हारा। भाभी, ये क्या कह रही हो? तेरी भाभी जो कह रही है सच ही तो कह रही है, गन्ना चूस के। जरा सोचो, ये काली कलूटी शादी के बाद भगवान को प्यारी भी तो हो सकती है, गन्ना चूस के। मैं तेरी बात समझ गया भाभी, गन्ना चूस के। अंजलि के समझाने पर दिनेश तुरंत ममता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। काली कलूटी आईने के सामने तो ऐसे अकड़ रही है जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो, नाश पीटी ने भाग्य फोड़ दिए हैं मेरे बेटे के। अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है और आस पड़ोस की सारी औरतें ममता की काली शक्ल को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगती हैं। शारदा बहन, क्या तेरा बेटा लंगड़ा लूला था जो ऐसी काली लड़की उसके गले बांधी? अरे मेरी चलती तो क्या मैं ऐसा होने देती। इसमें अम्मा क्या करे चाची, जब हमारे देवर जी ही ना माने, ये काली उनको हद से ज्यादा पसंद आ गई, इसीलिए शादी करनी पड़ी ना, गन्ना चूस के। उन सब की बातें सुनकर ममता को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन भगवान को कोसते हुए रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ये सजा मिल रही है मुझे, इस काली चमड़ी के कारण और कितना अपमान सहूं मैं। एक दिन रामेश्वर और शारदा बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी ममता उनके लिए चाय लेकर आती है। बाबूजी, चाय। अरे चाय ले आई बेटी, यहाँ मेज पर रख दे। ममता चाय रख कर चली जाती है और उसके जाने के बाद रामेश्वर शारदा से कहता है, बातें तो होती रहेंगी शारदा, आओ पहले चाय पी लेते हैं। इस काली कलूटी डायन के हाथ की चाय तो मैं कभी ना पीऊं, आप ही पीजिए शौक से। शारदा की ममता के प्रति ये नफरत देखकर रामेश्वर को गहरा दुख होता है और वो उसे समझाते हुए कहता है, भगवान से डरो शारदा, बहू का रंग भले ही काला है मगर उसका मन दूध सा उज्ज्वल है, हम सब पर जान छिड़कने को तैयार रहती है बेचारी। पर मुझे तो फिर भी पसंद नहीं है। उधर दिनेश को ममता फूटी आँख नहीं सुहाती है मगर फिर भी वो ममता पर गहरा प्यार जताने का दिखावा करता है, वो ऐसा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही करता है। मुंह खोलो, ये गोलगप्पा मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। जो खिलाना है खिला ले काली डायन,
तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि कल को तेरा काम तमाम करूँ तो लोग मुझ पर शक ना करें। क्या हुआ, खाओ ना इस गोलगप्पे को। हाँ खिलाओ ना, कब से तो इंतजार कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरे हाथों से? कमीनी काली भैंस, जहर लगा जहर। बहुत अच्छा लगा ममता। इसके कुछ दिन बाद दिनेश अपनी भाभी अंजलि से कहता है, भाभी अब तो ड्रामा करके थक चुका हूँ, प्लीज इस ममता से छुटकारा दिलाओ ताकि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकूं। डांट वारी देवर जी, मौका तो मिलने दो, जैसे ही मौका मिलेगा ये काली लोगों के कंधों पर शमशान की तरह जाती नजर आएगी गन्ना चूस के। सच भाभी? बिल्कुल सच, गन्ना चूस के। समय बीतता जाता है और फिर एक दिन रामेश्वर सबको इकट्ठा करके कहता है, सुनो हम सब वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, अब तो देवर जी की इच्छा सच में पूरी हो जाएगी गन्ना चूस के। ये सुनकर रामेश्वर का बड़ा बेटा महेश कहता है, बाबूजी इस बार तो आप सभी माँ के दर्शन कराइए, मुझे तो बिजनेस के काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अरे तो तू घर पर ही रह बेटा, माता रानी जब तुझे बुलाए तब चले आना। जय माता रानी की बाबूजी। जय माता रानी की बेटा। वैष्णो माता मंदिर जाने की बात सुनकर अंजलि दिनेश से कहती है, वहाँ पहाड़ों में तो हम सब इस काली ममता को आसानी से ठिकाने लगा सकते हैं गन्ना चूस के। देखना एक धक्के में किसी गहरी खाई में समा जाएगी गन्ना चूस के। और फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी गन्ना चूस के। क्यों, मैंने सही कहा ना भाभी? बिल्कुल सही कहा गन्ना चूस के। वे सब ट्रेन द्वारा कटरा पहुँचते हैं। कटरा पहुँचते ही ममता माता वैष्णो के दरबार की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ मैं अपने तन मन से इन लोगों की सेवा करती हूँ और अपनी सभी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, मगर फिर भी ये लोग मुझसे नफरत ही करते हैं। इसीलिए कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मुझसे सब प्यार करने लगे। उसके बाद वे सब माता के मंदिर में पहुँचने के लिए चढ़ाई करने लगते हैं। चढ़ाई करते समय अंजलि दिनेश से कहती है, तुम पिताजी और बाबूजी को पालकी में बिठा दो, खुद उनके पीछे पीछे चलो, मैं अपनी बेटी और ममता को साथ लेकर चलती हूँ। अंजलि के ये कहने पर रामेश्वर और शारदा पालकियों में बैठ जाते हैं और दिनेश उनके पीछे पीछे चलने लगता है। मगर तभी अंजलि की बेटी शिखा की चीख सुनाई देती है, माँ मुझे बचाओ, मैं खाई में गिर जाऊंगी माँ। शिखा की चीख सुनते ही सबसे पहले ममता दौड़ती है और झट से उसका हाथ पकड़ कर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ममता बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर शिखा को अपनी तरफ खींच लेती है और वो गहरी खाई में गिरने से बच जाती है। तभी वहाँ अंजलि भी आ जाती है और ममता का एहसान मानते हुए उससे कहती है, ममता आज तू नहीं होती तो मेरी बेटी खाई में गिरकर मर ही जाती, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी गन्ना चूस के। तभी रामेश्वर शारदा और दिनेश भी वहाँ पर आ जाते हैं। बेटी तूने सच में साबित कर दिया कि आदमी की कीमत उसकी चमड़ी से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। अब तो तुम सबको ममता बहू के काले रंग से कोई शिकायत नहीं है? नहीं बाबूजी। इस तरह माता की कृपा से ममता का जीवन सवर जाता है और साथ ही अंजलि और दिनेश एक घिनौने पाप करने से बच जाते हैं। उस दिन के बाद से वे सब ममता के साथ घुल मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।